तो इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे डाइजेशन इन प्रोटोसुआ और प्रोटोसुआ इट्स ए वेरी फाइल इसके अंदर दर सो मैनी जिसके अंदर आ, कोई फ्लैज भी हैं आर भी हैं लोबोपोडिया हैं यानी जिन जिन्हें कहते हैं तो देज ए ऑफ वराइटी और यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो एक डन एक रिप्रजेंटिव के तौर पर जो हमने सेलेक्ट किया है वो एक, एक तो ये जैसा कि नाम से जाहिर है कि हैविंग सिलिया तो और सिलिया जो हैं दिज आर हेयर लाइक वेरी स्मॉल जो, जो कि लैश करते हैं मूव करते हैं और इसी इन्हींजेला से या इन्हीं सिलिया से वेरी स्मॉल टाइनिंग करंट्स इन वाटर और वो फिर वहाँ से फिर लेकिन इसी के अंदर फिर कुछ कुछ जो सिलिटेड प्रोडोसोन्स हैं कुछ तो पैरासिटिक फॉर्म भी है कुछ फ्री लिविंग भी है जैसे पैरामीशियम इज ए फ्री लिविंग अदर प्रोडोसोन लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं विच लिव एज एंडो पैरासाइट दैट लिवस इन द तो सिलियड आर देर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट जो हैं ये असल में इट्स इसके अंदर आ, प्लांट यूनिसेरूलर प्लांट लाइक -like स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं और इस और ये बड़ा फाइलम है इट्स अ वेरी ह्यूज ग्रुप इसी के अंदर फिर प्रोडोजुआ भी है और फिर एल वगैरह भी है तो सिलियट सिलियरी एक्शन दैट डायरेक्ट्स फूड फ्राम दिनमेंट इन टू द बकल कैविटी और पहले हम देखते हैं कि इस uh, Ciliated protozoan kyanda yamuklef his sakya. Or uh, uh diagrammatic protozoan hai. Is ciliated protozoan Body is all covered over by cilia. Or is one side cube. There is uh, the buccal cavity. So this is uh, there's a buccal cavity. That's mouth that leads into there is a definite opening, and then this opening that leads into the buccal cavity, it is also covered over by cilia. I say hum, uh, ये जो माउथ है जो कि इस पॉइंट के ऊपर है इसे हम कहते हैं साइटोसोम अब जब फूड जब फूड बाहर से आता है तो ये साइटोसोम दैट इज uh, उसका ना एक बल्ज uh, आउट कर जाता है विद इन विद इन द सेल तो इस तरह बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम फिर फूड वैक्यूल कहते हैं सो दिस इज दिस इज द फूड वैक्यूल नाउ दिस फूड वैक्यूल दैट विल मूव नाउ थ्रू दी To the, through the cytoplasm of the जैसे हम ये देख रहे हैं कि these are different stages of its movement. और ये मूवमेंट क्यों होती है ये बाकायदाप्लाज्म है जो कि दीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज और उसीज्म के साथ ये जो फूड वेक्यूल है इट आल्सो मूव तो यहाँ पे साइटोसोम के इलाके में या हिस्से में वहाँ पे फूड वेक्यूल बना और ये फूड वेक्यूल जो है then it is pinched off. इट इज़ ऑफ फ्राम दी साइटोसोम और ये फिर ए, ए, इसके अंदर पहले तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकलेगा और इस फूड वैक्यूल के अंदर पी एच एडजस्ट होती है और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे पी एच शुरू में एसडिक होती है पी एच और फिर उसके बाद एल्कलाइन होती है क्यों क्योंकि ये जो जिन्हें हम लाइसोसोम्स कहते हैं ये सारे लाइसोसोम्स हैं ये जो हैं दे आर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एंजाइम एंजाइम्स मुख्त होते हैं इसके अंदर और ये फिर इसके साथ अटैच हो जाते हैं और आर इंजेक्टेड इन टू दूड वैक्योल और वो जो पी एच एडजस्ट हो गई है अब ये थोड़ी सी अल्कलाइन पहले एसडिक होती है फिर यह अल्क्लाइन हो जाती है। और ये क्यों अल्क्लाइन होती है क्योंकि यहाँ पे जो एनजाइम्स हैं दे वर्क बेस्ट

जो है वो फिर एक टम्प्रेरी uh, एनस उसके ज़रिए से फिर इट विल बी इलिमिनेटेड और इस तरह ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दे विल बी एब्जॉर्ब इन साइटोप्लाज्म और इसकी फिर मेटाबॉलिज्म होगी एनर्जी भी बनेगी और इसका हिस्सा टियर हो रही है उसकी वियरिंग हो रही है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट दैट इज डाइजेशन इन प्रोटोजोआ और uh, ये कुछ uh, इसी मुत, मुतलिक जो हमने पढ़ा

Now, during this movement, excess water is removed. Excess water to adjust the pH. First it is acidified and then it is made alkaline, line. Or uh, the lysosomic enzymes your hand will be injected into the food vacuole or per digestion complete. Or your undigested matter, hai, then it will be come out, or uh, the products of digestion they will be absorbed into the site, into the cytoplasm. Or this is this intracellular digestion?

और द फूड एंटर द एंडिंग उसी तरह ये फिर फूड वैक्यूल बन जाता है और द डिटैच फूड वैक्यूल उसके अंदर सारे प्रोसेस होता है और ये अंडाइजेस्टिड मैटर इट कम्स आउट ऑफ द ऑफ द बॉडी देन के थ्रू और दिस इज वट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन इन प्रोटोसवा